हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रणवीर पंवार और आज हम इंडिया की मोस्ट सेलिंग कार स्विफ्ट की ऑफ रोडिंग के बारे में बात करेंगे। इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कार है स्विफ्ट और आपको पता होगा कि इसको ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनाया गया है, फिर भी इंडिया में ज़्यादातर सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर आपको ऑफ रोडिंग करनी पड़ जाती है। अगर आप स्विफ्ट खरीद चुके हैं या ख़रीदने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो थोड़ी हर्टफुल हो सकती है, दिल टूटने वाला है आप लोगों का, क्योंकि ऑफ रोडिंग में स्विफ्ट का जो हाल है वो आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है यहाँ से निकलने का। कीचड़ में बिल्कुल ये अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। वैसे परफॉर्मेंस में देखा जाए तो इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। पावर की बात की जाए तो इसमें आपको 88.50 bhp की पावर देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको 113 nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस तो ठीक है इसकी, लेकिन ये ऑफ रोडिंग में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाती है जैसा आप इस वीडियो में देख ही रहे हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इतना ज़्यादा कीचड़ नहीं है, एक थोड़ा सा कीचड़ है, लेकिन यहाँ पर भी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। कुछ तो दोस्तों डिपेंड करता है ड्राइवर कैसा है और बाकी का, यार गाड़ी में दम है, लेकिन ऑफ रोडिंग की जब बात आती है तो सिर्फ बहुत बहुत डिसअपॉइंट करती है लोगों को। अगर आप लोगों को प्लान बन रहा है ऋषिकेश जाने का, मनाली जाने का, या कहीं भी आपको जाने का दिल कर रहा है और सिचुएशन ऐसी हो तो आपको ये गाड़ी धोखा दे देगी। वैसे कीचड़ में तो हम लोगों ने इसकी परफॉर्मेंस देख ली, अब यहाँ पर देख लेते हैं ये जो कंक्रीट पर जब चलती है तो यहाँ पर आप देखो ये बिल्कुल मूव नहीं हो रही गाड़ी। पूरी पावर लगाने के बाद भी गाड़ी बिल्कुल मूव नहीं हो रही। हालांकि देख सकते हैं ड्राइवर की थोड़ी इसमें गलती है, ड्राइवर को अच्छे से ड्राइव करना नहीं आ रहा है कार को, लेकिन फिर भी गाड़ी में यार दम नहीं है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप किसी दूसरी कंपनी की गाड़ी उठा लो, बात करें टियागो की, तो टियागो बहुत आराम से निकल जाएगी यहाँ पर। वैसे देखा जाए स्विफ्ट का थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, लेकिन फिर भी यार मतलब मैं तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ स्विफ्ट से, क्योंकि इसकी ऑफ रोडिंग यार बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड करने वाली है। हालांकि आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे लोग इसको ड्रिफ्ट करा देते हैं और आइस पर चला देते हैं, तो हाँ ठीक है वो ड्राइवर पर डिपेंड करता है। अब यार हर कोई तो इतना ख़तरनाक वाला ड्राइवर होता नहीं है ना। तो अगर आप लोगों को, जैसे आप पहाड़ी हिल्स एरिया में रहते हैं, तो स्विफ्ट के लिए तो बिल्कुल ना जाए, नहीं तो आप लोग इसे लेके पछताओगे, मुझे तो ये लगता है। बाकी का आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।